हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हेलो सर, आई वांट टू फाइंड बेटा। थैंक यू सर। पेज नंबर मैथ में पेज नंबर 110 में आप सभी को पढ़ना है डे इन अ वीक। डे मींस क्या होता है? दिनों। यहाँ पे यस लगा, डे मींस दिन होता है, लेकिन डे इन अ वीक एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, मतलब एक सप्ताह में दिनों के नाम, एक सप्ताह के दिनों के नाम। ऐसे इसमें देखिए क्या दिया गया, 7 days make a week। कोई पढ़ेगा? आदर्श, आदर्श प्रताप सिंह आप पढ़िए। 7 days make a week, the week began on Monday and ends on Sunday। बेटा महिमा आप पढ़िए। वेरी गुड सर। 7 days में कबीक द वर्क बिगन ऑन मंडे एंड इट्स ऑन संडे। यस बेटा। सौरभ सैनी, सौरभ नहीं जुड़े, माइक का वीडियो बंद है बेटा। सौरभ वीडियो ऑन करिए, सौम्या वीडियो ऑन करिए, ममता सोनकर, देवान शर्मा आप पढ़िए बेटा। देवान शर्मा रीड करिए। M O N D A Y Monday, T U E S D A Y Tuesday, W E W E N E S D A Y। स्टॉप देवांश। और कौन पढ़ेगा, हैंड्स शो करें, कौन रीड करेगा? और चलिए सौम्या बेटा, यस सौम्या रीड करिए। सर मंडे से। यस बेटा, नहीं 7 days। सर 7 days मेक अ वीक, द वीक बिगिंस ऑन मंडे एंड एंड्स ऑन संडे। यस बेटा, वेरी गुड। अमित आप पढ़िए, अमित रीड करिए। सर 7 days मेक अ वीक, द वीक बिगन ऑन द मंडे एंड एंड ऑन संडे। वेरी गुड। बीरू, बीरू बेटा आप पढ़िए, बीरू रीड करिए। माइक ऑन करके बेटा, बीरू माइक ऑन करके, माइक ऑन करके। देवांश अपना माइक बंद करिए बेटा, देवांश अच्छी बात नहीं, माइक बंद करिए। चलिए बीरू नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए बेटा क्या लिखा है, 7 days मे का भी क्या है, 7 days make a week। Week means देखिए 7 days मतलब days means क्या होता है, दिन। और यहां पे यस लगा, डे दिनों, 7 दिनों make a week। अब माने एक, week माने सप्ताह, एक सप्ताह, week माने निर्माण या बनता है, 7 दिनों का एक सप्ताह बनता है, कितने, 7 days मेक अ वीक, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, मतलब एक सप्ताह, 7 दिनों में एक सप्ताह, मतलब एक हफ्ते का निर्माण होता है, एक हफ्ता बनता है। जिसमें देखिए पहले क्या होता है, स्टार्ट आपका कहां से होता है, द वीक बिगिंस ऑन मंडे, द वीक बिगिंस बिगिंस ऑन मंडे, मतलब द वीक बिगिंस ऑन मंडे, सप्ताह की शुरुआत, मतलब सप्ताह का, सप्ताह की शुरुआत कैसे होती है,
The begins on Monday. The week begins on Monday. सप्ताह की शुरुआत Monday. Monday means सोमवार से होती है. And ends of Sunday. और and ends on Sunday. और end means समाप्ति. सप्ताह की समाप्ति कब होती है? संडे को. मतलब एंड और इंस ऑन संडे. समाप्ति मतलब सप्ताह की समाप्ति कब होती है? संडे को. जैसे आपका देखिए नीचे दिया गया कैलेंडर, मंडे आपका फर्स्ट डे क्या होता है? मंडे. फर्स्ट डे आपका क्या है? मंडे. या आपका क्या है? सप्ताह का पहला दिन. सप्ताह का फर्स्ट डे होता है. मतलब सप्ताह की शुरुआत आपकी मंडे से होती है ना. संडे आपका क्या होता है? आपकी स्कूल में हॉलीडे होता है ना. संडे में संडे सभी जगह हॉलीडे होता है. तो आप छुट्टी मनाते फिर इसके बाद क्या होता है? मंडे को स्कूल आते ना. तो क्या होता है? मंडे से आपके स्कूल की शुरुआत या आपका जो सप्ताह शुरू होता है वो मंडे से होता है. मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूजडे. मंडे के बाद क्या आता है आपका? ट्यूजडे. सप्ताह मतलब हफ्ते का दूसरा दिन होता है. सप्ताह का वीक का क्या होता है? वीक का ये दूसरा दिन होता है. ट्यूजडे मीन्स क्या होता है? मंगलवार. हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगलवार. जिसमें लोग कहते हैं हनुमान जी का दिन है ना. लोग बोलते हैं कि ट्यूजडे क्या हनुमान जी का दिन है. तो आपका सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है? ट्यूजडे. थर्ड डे क्या होता है? वेडनेसडे. वेडनेसडे इज द वीक सर The week starts day. Yes, बेटा. Wednesday, the week third day मतलब क्या होता है? Third day मतलब सप्ताह का week का तीसरा दिन होता है. कौन सा? Wednesday. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बुधवार. क्या बोलते हैं? बुधवार. बाद आपका third day क्या आता है? Third day. First day. ये आपका क्या होता है? फोर्थ डे होता है. मतलब आपका थर्स्ट डे जो होता है, थर्ड डे मीन्स क्या होता है? बृहस्पतिवार. बृहस्पतिवार बोलते हैं ना. और गुरुवार भी बोलते हैं. बृहस्पतिवार और गुरुवार भी बोलते हैं. कौन से? थर्ड डे को. थर्ड डे मीन्स आपका बृहस्पतिवार या गुरुवार, दोनों चीज बोला जाता है. लेकिन आपका बृहस्पतिवार ज्यादा बोलते हैं लोग. अब इसमें देखिए थर्ड डे के बाद क्या आ गया आपका? फ्राइडे आपका क्या है? सप्ताह का पांचवा दिन है. मतलब फिफ्थ डे. डे वीक का क्या है? फाइव डे मतलब पांचवा दिन. फिफ्थ डे क्या होता है? फ्राइडे. फ्राइडे को क्या बोलते हैं? शुक्रवार बोलते हैं. हिंदी में शुक्रवार बोलते हैं. फ्राइडे के बाद क्या आता है आपका? सैटरडे. ये क्या हो गया? सैटरडे. सैटरडे आपका क्या होता है? सप्ताह का सिक्स डे. मतलब सिक्स डे जो होता है सप्ताह का क्या होता है? छठवां दिन. आपके हफ्ते में सैटरडे होता है वो छठे दिन पे आता है. और लास्ट में क्या होता है? सातवें दिन. मतलब सेवन डे. क्या होता है सातवें दिन? क्या होता है आपका? संडे. रविवार. संडे क्या होता है? सेवन डे. सेवन डे होता है. संडे इज द हॉलीडे. संडे के दिन छुट्टी होती है ना. आपके स्कूल में भी होता है, कार्यालय भी होता है, ऑफिस भी बंद होता है. मतलब सारी चीजें सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं जो होती है वो बंद होती है. मतलब हॉलीडे होता है. ये आपका क्या है? सेवन डे होता है. आपका मंडे फर्स्ट डे होता है वीक का. ट्यूजडे सेकेंड डे होता है वीक का. वेडनेसडे आपका थर्ड डे है. फर्स्ट डे फोर्थ डे है. मतलब फोर्थ डे जो है ये. फ्राइडे आपका फिफ्थ पे आता है वीक में. फिफ्थ डे को आता है. सैटरडे आपका जो सिक्स में आता है. सिक्स डे छठे दिन मतलब छठा दिन होता है. और संडे जो होता है वो आपका सेवन डे. मतलब आपको बताया जाएगा ना कि सेवन डे मे का वीक.
एक सप्ताह का निर्माण 7 दिनों से होता, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। द वीक बिगिंस ऑन मंडे, और सप्ताह की शुरुआत किससे होती है? मंडे से, सोमवार से। एंड एंड्स ऑन संडे, और समाप्ति कब होती है? संडे से। मतलब आपका शुरुआत कब होता है? मंडे से, और एंड क्या होता है? संडे को। उसके बीच में आपका मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये आपके 7 डेज होते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया गया आफ्टर, नीचे देखिए बुक में देखिए, आफ्टर संडे इट इज मंडे अगेन। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, संडे के बाद में, मतलब संडे इट इज मंडे अगेन। संडे के बाद में क्या आता है? मंडे अगेन, मतलब मंडे फिर आता है। जैसे आपका संडे है, संडे अगेन मतलब दूसरे दिन संडे के बाद क्या आता है? फिर आपका मंडे आएगा। मतलब ये नहीं कि संडे आपका सातवां दिन है, संडे के बाद कोई दिन नहीं आएगा। आपका संडे के बाद क्या आएगा? संडे आफ्टर क्या होता है? मंडे अगेन। फिर आपका क्या आएगा? दोबारा आपका दूसरी बार फिर क्या आएगा? मंडे फिर आएगा, और मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ऐसे आपका फिर संडे आ जाएगा। संडे अगेन, आफ्टर संडे क्या होगा? मंडे अगेन, फिर मंडे आएगा। मतलब आपके वन मंथ होता है ना, जैसे जनवरी है, फरवरी है, वन मंथ सभी में होता है, वन मंथ। तो आपका क्या होता है, मतलब एक महीने में, वन मंथ में कितने वीक होते हैं? आपके 4 वीक होते हैं। अभी इसमें देखिए, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज आपका क्या है? 10B। ये बेटा जो भी बताया गया समझ में आया? 110 पेज का? यस सर। एक्सरसाइज 10B। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करना है आपको? रिक्त स्थान भरना है, जो इसमें डॉट डॉट दिए गए हैं उनपे क्या करना है आपको? फिल करना है, भरना है, मतलब जो फिल है, जो खाली स्थान है। ब्लैंक मीन्स स्थान, और फिल मीन्स जो रिक्त स्थान है उनको क्या करना है आपको? फिल करना है, भरना है। दिया रहा डॉट डॉट, डे इन अ वीक, देखिए ये है आपका डियर आर डॉट डॉट है, डेज इन अ वीक, यहां पे देखिए दिया रहा डेज इन अ वीक, क्या होगा इसकी हिंदी क्या होगी? सेवन डेज इन अ वीक, और दिया रहा सप्ताह में कई दिन, इन अ वीक एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? दिया रहा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेवन। यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सेवन। सेवन डेज इन अ वीक, दियर आर 7 डेज इन अ वीक। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बी देखें, बी क्या है? डॉट डॉट है पहले, और इसके बाद इज द, सैटरडे सेकंड डे ऑफ द वीक, इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, सैटरडे सैटरडे
यस बेटा, इज द सेकंड डे सप्ताह का दूसरा दिन, सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा है? ट्यूसडे। यस बेटा, वेरी गुड। देखिए आपके साइड में 110 पे दिया गया, मंडे के बाद क्या है, ट्यूसडे भी बताया गया, यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का दूसरा दिन क्या है, ट्यूसडे है, सप्ताह का दूसरा दिन ट्यूसडे है, सेकंड डे, सेकंड मीन्स दो, डे मीन्स दिन, दूसरा दिन क्या है, सप्ताह का दूसरा दिन क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स क्या होता है, हिंदी में भी बताए थे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कितने लोग जानते हैं, मंगलवार। यस बेटा, मंगलवार, वेरी गुड। अब देखिए सी, सी में क्या करना है आपको, डॉट डॉट है, इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, डॉट डॉट इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। अब यहां देखिए, इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का मतलब कौन सा है, वेडनेसडे मीन्स क्या होता है, बुधवार। यस बेटा, बुधवार। यहाँ पे कॉपी करेंगे डॉट के नीचे, डॉट के ऊपर वेडनेसडे, डब्ल्यू ईडी एन ई एस और डी ए वाई, क्या हो गया, वेडनेसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे आपका है, वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार है। डी देखते हैं, डी में बेटा आदर्श प्रताप सिंह आप रीड करिए, डी डी क्या राइट किया गया है, मंडे इज द डे ऑफ द वीक, ऊपर में राइट कर रहा हूं, डी मंडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक। अब यहां देखिए, मंडे इज द डे ऑफ द वीक, मंडे मीन्स सोमवार, इज द है डे ऑफ द वीक, सप्ताह में मतलब मंडे सप्ताह में कौन से कौन सा दिन है, किस फर्स्ट क्या पड़ता है, फर्स्ट डे। यस बेटा, फर्स्ट डे। यस बेटा, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट डे, क्या राइट करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ई ई में क्या है, इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, डॉट डॉट इज द लास्ट डे ऑफ द चलिए चलिए देखिए क्या दिया गया है, इज द ई क्या है, इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का अंतिम दिन,
लास्ट डे, क्या कह रहा है लास्ट डे मतलब लास्ट मीन क्या होता है अंतिम आखिरी दिन ऑफ द वीक, सप्ताह का आखिरी संडे क्या मतलब आपका मंडे से स्टार्ट होता है और जहाँ पे जाता है इंड होता है संडे को, यहाँ पे क्या राइट करेंगे संडे, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे जो है आपका क्या है इज द लास्ट डे, मतलब सप्ताह का आखिरी दिन क्या होता है संडे, संडे मीन्स क्या होता है सर रविवार, संडे में सर रविवार, यस बेटा रविवार क्या होता है रविवार, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे जो है वो आपके सप्ताह का आखिरी दिन होता है। अब इसमें देखें एफ क्या है, एफ डॉट डॉट इज द सिक्स्थ S I X B H sixth day of the week of the week the sixth day of the week, सप्ताह का छठवां दिन मतलब sixth day क्या होता है सैटरडे बताया गया था, सिक्स डे क्या होगा किस दिन को पड़ेगा सैटरडे, सैटरडे मीन्स क्या होता है हिंदी में क्या बोलते सैटरडे को शनिवार, शनिवार स्पेलिंग क्या होगी शनिवार इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, सप्ताह का छठा दिन है मतलब सिक्स छठे दिन क्या पड़ता है आपका सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, सैटरडे इज द मतलब शनिवार सप्ताह का छठा दिन होता है। इसके बाद आपका लास्ट है जी क्या कह रहा है थर्सडे इज द, अब भाई दोपहर मारा बस फुकन किया था मारा बस इज द डॉट डॉट डे ऑफ द वीक, डे पढ़ता है नहीं का ऑफ द काय के लग रहा है बेटा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है माइक पे सौम्या, माइक ऑफ करो आप बेटा अपना, सौम्या माइक ऑफ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, थर्सडे इज द डे ऑफ द वीक, थर्सडे क्या है सप्ताह का कौन सा दिन है फोर्थ, यहाँ पे क्या राइट करेंगे बीच में फोर्थ, बताइए महिमा स्पेलिंग आप बताइए फोर्थ की F-O-R-T-H. रॉन्ग है बेटा एफ आर ओ टी, यस बेटा अमिताभ बोलिए सर एफ ओ यू आर फोर, नहीं फोर्थ, यस बेटा F O U R T H. Yes बेटा correct है, क्या होगा Thursday is the fourth day of the week. Meaning F O R T H. Fourth day of the week. Thursday क्या है? Thursday means क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं Thursday को? सौम्या बताइए। सौम्या। सर मंगलवार। नहीं मंगलवार थर्सडे बोला जाता, मंगलवार तो आपका ट्यूजडे है। बताइए बेटा बृहस्पतिवार, यस बेटा आदर्श वर्मा से पूछा गया, आदर्श गुरुवार,
आदर्श वर्मा को भी बोल ले तो आदर्श वर्मा भी है। यस बेटा आदर्श ने बताया, आदर्श प्रताप सिंह ने बताया, क्या बताया? बृहस्पतवार, हल्दे मीन्स होता है बृहस्पतवार। अभी और बताए थे बृहस्पतवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं बृहस्पति, हल्दे को आपका बृहस्पतवार भी बोलते हैं और गुरुवार बोलते हैं। ये क्या है, हल्दे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, सप्ताह में सप्ताह जो है बृहस्पतवार इज द सप्ताह का कौन सा दिन है, पंखा दिन, चौथे दिन को क्या पड़ता है, थर्सडे। चलिए ये देखिए आपका एक्सरसाइज 10वीं का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप सेकंड देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आंसर पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर राइट करना है। निम्नलिखित सवालों के क्या करना है, जवाब दें। ए है व्हिच डे कम्स जस्ट बिफोर फ्राइडे, ए क्या है, व्हिच डे कम्स जस्ट बिफोर फ्राइडे, थर्सडे, कौन सा दिन आता है, मतलब जस्ट बिफोर फ्राइडे, थर्सडे। यस बेटा, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, देखिए थर्सडे। यस बेटा, ये क्वाइट साउंड रही है, ये आपका सेकंड है, सेकंड का ए आपको देना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के मतलब उत्तर देना है आपको। व्हिच डे कम्स जस्ट बिफोर फ्राइडे, थर्सडे, व्हिच डे कम्स जस्ट बिफोर द ईयर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। बेटा आवाज नहीं, अमित आवाज नहीं, और यहाँ पे आपको आगे फिल करना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हिच डे कौन सा दिन कम्स जस्ट बिफोर फ्राइडे, शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है, थर्सडे, क्या आएगा, थर्सडे मतलब फ्राइडे के पहले, जस्ट बिफोर फ्राइडे के पहले, जस्ट बिफोर पहले आता है किसके, फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे, यहाँ क्या कहते हैं, thursday भी देखते हैं। यहाँ पे क्या गया, जस्ट आफ्टर व्हिच डे कौन सा दिन आता है, जस्ट आफ्टर तुरंत बाद किसके, सैटरडे, सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है, तुरंत कौन सा दिन है, जस्ट आफ्टर कौन सा दिन आता है, संडे। यस बेटा, तो यहाँ पे व्हिच डे कम्स जस्ट आफ्टर, लिखो बेटा, जस्ट आफ्टर सैटरडे, जस्ट आगे फिर क्या होगा, बताइए, दीवान स्लॉपिंग नहीं कर सर, मंडे। यस बेटा, संडे, जस्ट आफ्टर सैटरडे के, मतलब सैटरडे मींस क्या होता है, शनिवार, शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो आपको क्या फील करना है, यहाँ पे अभी आप लोग बता रहे हो संडे, संडे, संडे मीन्स सर शुक्रवार, शुक्रवार होता है संडे मीन्स, अमित राम बता रहे हो, हिंदी में क्या बोलते हैं संडे को, महिमा, यस
रविवार। यस बेटा रविवार। अब सी देखते हैं, सी क्या पूछा गया है, व्हिच डे कम्स बिटवीन मंडे डे, मंडे और टर्मिनल डे मतलब सोमवार और बुधवार के बीच में, बिटवीन बीच में कौन सा दिन आता है, सैटरडे। यस बेटा क्या आएगा, ट्यूजडे। यहाँ की व्हिच डे बिटवीन मंडे एंड बैडनेस डे, क्या फील करेंगे। अब देखिए मंडे एंड बैडनेस डे सोमवार और बुधवार के बीच में कौन सा दिन आता है। देवांश क्या कर रहे हो बेटा, देवांश देवांश मैं देख रहा हूं आप जो क्या कर रहे हो, ठीक से बेटा बैठ के देखो, बुक तो देखो या बोर्ड देखिए, ऐसे नहीं पढ़ा जाता जिस तरह आप कर रहे हो। यहाँ पे क्या फील होगा, अभी बताए अमित ने बताया था सैटरडे ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, सोमवार और बुधवार दिन आएगा ट्यूजडे मतलब सोम और मंगल के बीच में, सॉरी सोमवार और बुधवार के बीच में मंगलवार आता है। चलिए दी देखते हैं, व्हिच डे कम्स बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे, व्हिच डे कम्स बिटवीन, डी में क्या होगा, कम्स बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे, मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच में कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे। क्या फील होगा, वेडनेसडे, डी में क्या फील होगा, वेडनेसडे। वेरी गुड बेटा, व्हिच डे कम्स जस्ट बिफोर ट्यूजडे, ट्यूजडे के पहले जस्ट बिफोर कौन सा दिन आता है, मतलब मंगलवार के पहले मंडे कौन सा दिन आता है, मंडे। यस बेटा होगा मंडे, मतलब मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, मंगलवार के पहले सोमवार आता है मंडे, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, मंडे। सेकंड वाला सर। यस बेटा, मैथ का होमवर्क नहीं चेक होता। यस बेटा चेक होगा, अभी आपने कहा ना, ठीक है मैं देखता हूँ क्यों नहीं चेक हो रहा है। सर किसी दिन, चलिए इसमें देखते हैं, अभी आपका 10 भी हो गया ना। यस सर। अब नेक्स्ट जब जो क्लास अगले कल होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ईयर मींस क्या होता है वर्ष, और मंथ ऑफ द ईयर वर्ष में मतलब एक वर्ष में एक साल में कितने महीने होते हैं, इसमें दियर आर फैक्टोरियल। देखिए इसको देख के आइएगा, दियर आर 12 मंथ इन अ ईयर, एक सप्ताह में 12 महीने होते हैं, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी जो है वो आपका वर्ष का पहला महीना होता है, मतलब जो साल होता है आपका पहला वर्ष का, मतलब एक साल जो आपका साल होता है उसका पहला महीना क्या होता है, जनवरी, और दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और वर्ष का मतलब साल का आखिरी महीना क्या होता है, दिसंबर। अब यहाँ देखिए मंथ दिया गया है, डे दिया गया है, और उनके मतलब जनवरी में कितने डे होते हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको आपको देखना है बेटा, क्योंकि समय आपका लास्ट मिनट चल रहा है माइनस में, तो ये आज हो नहीं पाएगा, इसको नेक्स्ट बताते हैं और एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवाते हैं।
और इसमें 10B जो एक्सरसाइज आपका 10B है इसको आप कंप्लीट करके होमवर्क आज सबमिट करेंगे।